योगी जी ने कहा अभी 10 दिन पहले की बात कि फला तारीख से 100% अटेंडेंस मैंडेटरी कर दिया मैंने गवर्नमेंट ऑफिसेज में। मालूम सरकारी बाबू लोग क्या कह रहे थे मुझसे, अरे बोले बताओ भाई साहब कोरोना सिर पे, आप बताइए ऑफिस खोल दिया, देश बचाना जरूरी है, तनख्वाह हमारी आती रही 31 को, लेकिन ये कि ऑफिस बंद रहे, तनख्वाह नहीं रुके लेकिन ऑफिस बंद रहे। क्यों? आपके प्राण, आपको डर लगता है कोरोना से, और 4 साल का बच्चा जाएगा, किसे लोग हैं, कोई अर्थशास्त्र हो, कोई समाजशास्त्र हो, कोई शिक्षा शास्त्र हो, जो बच्चे हम लोगों ने भी बच्चे पढ़ाए हैं, आया रखनी पड़ती है स्कूल में आया, वो बच्चे ये नहीं बता पाते कि हमको शू-शू जाना है, पॉटी जाना है, ये पाप हो जाएगा, पाप देश में। लम्हों की खता सदियां भुगतेंगी, सदियां भुगतेंगी। और मैं फिर कहता हूं, इसीलिए आज बहस लेके आया, मेरी बात को लिख लीजिए, अगर स्कूल खोलने की कोशिश हुई, मैं अपने को कक्षा 1 से 9 तक ही सीमित रखूंगा फिलहाल, बच्चा बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है, फिर कुछ उपाय हो सकते हैं। तो इस प्रदेश में, इस देश में एक अपने किस्म का अभिनव आंदोलन देखने को मिलेगा, जो भारत की पूरी स्कूली शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित कर देगा, ये जान लीजिए। बच्चा नहीं तो स्कूल क्या चलाओगे और किसको पढ़ाओगे? कोई नहीं जाएगा। अगर बच्चा ही नहीं, मंदिर में भगवान नहीं तो पुजारी घंटी बजाएगा क्या करेगा, कौन सा मंत्र पढ़ेगा? मूर्ति तो चाहिए मंदिर में ना।